ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம. தம் இதி ஏதத் ஏதத் மத் அன்ய நாஸ்தி கிஞ்சன चिच्चैतन्य रूपोहम अहमेव परशिवः. जिस ज्ञान में मैं तू तू नहीं है वह मैं हूं, ये भावना करनी है. व्याकरण में तीन पुरुष होते हैं, एक मैं माने उत्तम पुरुष. संस्कृत के व्याकरण में मैं माने उत्तम पुरुष, आप माने मध्यम पुरुष जो बीच में आते रहते हैं, और वो माने प्रथम पुरुष. तो जो अंग्रेजी में हिंदी में जिसको तृतीय पुरुष कहते हैं, संस्कृत में उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, क्योंकि हमेशा अन्य को महत्व देना चाहिए, अपने को नहीं. तो ये जो तीन पुरुष है, इन तीन पुरुषों की सिद्धि कैसे होती है? जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष. अब किसके बारे में बात कर रहा हूं? तीसरे के बारे में. वो बड़े खराब है व्यक्ति, बड़े घटिया है, उनको तो मारना चाहिए. तो जो व्यक्ति तृतीय पुरुष के बारे में बात करता है वो थर्ड क्लास. फिर दूसरे, जो व्यक्ति अपने ही बारे में बात करता है, मैं ये हूं मैं वो हूं, मैंने ये किया मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, जिस व्यक्ति में ये मैं का प्राधान्य है वो फर्स्ट क्लास फूल है. एक हो गया थर्ड क्लास, दूसरा हो गया फर्स्ट क्लास फूल. अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है, कहते हैं कि जो हमारे सामने है उसको महत्व देना है. तो ये सामने कौन है हमारे? क्या हमसे अलग है? क्या हमसे भिन्न है? यही भावना है इस उपनिषद में, जिसमें त्वम इति एतत् मत्तः अन्यत् किंचन नास्ति. मैं ये वो, ये जो भेद है अनेकता को महत्व देने के कारण. तो जितना हम भेद का प्रतिपादन करेंगे, जितना हम भेद का समर्थन करेंगे, उतने हम बिखर जाएंगे. और इसीलिए कहते हैं कि चित चैतन्य रूपो हम. तो जितना हम अपने पास लौट के आते हैं उतना ये भेद कम होने लग जाता है. विषय अनेक, इंद्रिय पांच, इंद्रिय अनेक, मन एक, मन में वृत्तियां अनेक, वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला मैं एक, और यह जो मैं है इस सब में सामान्य है. इस मैं को हमको पहचानना है, इसीलिए कहते हैं चित चैतन्य रूपो अहम, अहम एव परशिवा, यही मेरा स्वरूप है. इस भावना को लेकर के जो चलेगा वो अपने आप शांत हो जाएगा. और ये शांति कैसी है? इस शांति में कुछ मिलता नहीं और कुछ खोते भी नहीं. यह शांति अभावात्मक नहीं है. जैसे शब्द के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, काम के अभाव को शांति कहते हैं. तो क्या ये शांति अभावात्मक है? देखो, प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं, माने अंधकार में प्रकाश नहीं है.
तो काम के अभाव को शांति कहते हैं। तो माने क्या हो गया, शांति यह अभावात्मक नहीं है, यह भावात्मक है। और इसीलिए व्यक्ति जब शांत अशांत इत्यादि सुख दुख लाभ हानि इन द्वंद्वों के परे चले जाता है, तब ये बात क्लिक होती है, अहमेव परशिवः, जो सबका आधार सबका प्रकाशक लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये अपना स्वरूप है। अब इस पर हम लगे रहे, इस पर लगे रहना माने क्या होगा, अब दुनिया के विचार दिमाग में नहीं आए, ये दुनिया के विचार हमको परेशान इसलिए करते हैं कि हम अपने से दूर चले गए। देखो आपको पूछा, आपके आगे आप समझो समुद्र के किनारे खड़े हो और पूछा आपके आगे आकाश कितनी गहराई तक है, तो क्या उत्तर दोगे, मालूम नहीं। कारण आप हो ज्ञानात्मक और ज्ञान से दूर चले जाओ तो अज्ञान में भटक जाओगे। देखो हम हैं सुखात्मक आनंदात्मक, अपने से दूर चले जाओ तो दुख होगा। हम हैं सत्ता अस्तित्व, अस्तित्व से दूर चले जाओ तो असत हो जाओगे। इसीलिए जितनी साधना है हमको अपने पास लौट के आने की है। और हम भटकते कैसे हैं, केवल वृत्तियों की गाड़ी पर बैठ करके भाग रहे, हमको कहीं भी नहीं जाना ना कहीं से आना है। इसीलिए अहमेव परशिवः। अब इसमें हम लोग अनेक सत्संग सुन लेते हैं, शब्दों को सुन लेते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जैसे अतिभाव स्वरूपो हम अहमेव सुखात्मकः साक्षी वस्तु विहीनत्वात् साक्षित्वं नास्ति मे सदा। मैं साक्षी, साक्षी चैतन्य, मुझे कुछ नहीं होता, ये जगत रहे ना रहे, ये KG1 KG2 की बात है, ये साक्षी के चक्कर में फंसना मत। ये डिफरेंट स्टेजेस से जाने की प्रक्रिया है। जैसे जगत के साथ व्यवहार करते समय दृष्टा भाव, माने उसमें हमने जगत को स्वीकार किया है और फिर उस जगत के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ये अभ्यास है। तो दृष्टा भाव में भी अभ्यास है, दृष्टा भाव में भी मैं तू तू है। अब उससे और सूक्ष्म स्तर पर आ गए तो बताते हैं साक्षी भाव, अपने मन को साक्षी भाव से देखो। इसका अर्थ क्या हो गया, हमने मन को सत्य मान लिया। और हम मन को कहां देखते हैं, हम देखते हैं विचारों को वृत्तियों को और फिर परेशान होते हैं कि बड़े विचार आते हैं मन में। आपको क्या कहा था महाराज कि आप वृत्तियों को देखो, कि आप मन को देखो, क्या कहा था, मन को देखो। आप किसको देख रहे, वृत्तियों को। कारण यही है कि वृत्ति और मन इसका भेद अभी हमने ग्रहण नहीं किया है। तो इसीलिए बताते हैं जब ध्यान के लिए बैठो तो साक्षी भाव से वृत्तियों का आना जाना। अब सवाल ये है, ये वृत्तियां तो कभी खत्म होगी नहीं, तो क्या जिंदगी में टुकड़ टुकड़ देखते रहोगे। देखो तो ये साक्षी के भी चक्कर में मत रहना। फिर उदासीन, उदासीन माने चाहे वृत्तियां हो या वृत्तियां ना हो। इसीलिए यहां कहते हैं साक्षी वस्तु विहीनत्वात्, मुझे कुछ अन्य है ही नहीं तो किसकी साक्ष्य कर रहा हूं मैं। और इसीलिए साक्षित्वम नास्ति मे सदा, मैं साक्षी भी नहीं हूं। देखो महाराज, हमने आपको कल भी बताया था, गलत धारणाओं को मिटा करके नई धारणा निर्माण नहीं करनी। जैसे हम कपड़ों पर करते हैं,
सलवटें निकाल करके एक सलवट और बना लेते हैं और कहते बड़ा अच्छा दिखता है। इसीलिए ये तीन चार श्रेणी से जाना है हमको। जगत में रहते समय दृष्टाभाव, ध्यान के लिए बैठे तो साक्षी भाव, और ध्यान के परे चले गए तो उदासीन। उदासीन का तात्पर्य फ्रस्ट्रेटेड नहीं, उदासीन माने उत्त माने ऊपर, उत्तिष्ठ, खड़े उठ के खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। तो जैसे हम आपके संदर्भ में उदासीन है, आप नीचे बैठे हैं, हम आपसे ऊपर बैठे हैं, तो नीचे की ठंडक आपको परेशान करती होगी, हमको नहीं कर रहे क्योंकि हम उदासीन है, उत आसीन ऊपर बैठे। तो ना तो ये स्थूल जगत भौतिक जगत हमको परेशान करेगा, इसीलिए धर्म अधर्म के चक्कर से निकल गए। फिर ना तो ये मन हमको परेशान कर रहा है, इसीलिए ये मेडिटेशन के चक्कर से निकल जाएंगे। और जब हम अपने स्वरूप में आ गए तो वहां से देखा अभी कुछ भी नहीं, ना है ना रहेगा। एक संत ने लिखा, गुरु महाराज की दया से मैं भव सागर या भव नदी पार कर गया और बड़ा खुश हो गया, और फिर पीछे मुड़ के सोचा अपने गुरु महाराज को धन्यवाद कर दूं और उस नदी को तो देखूं कि वो नदी जो मैं क्रॉस करके गया कैसी है। तो लो, ना वहां नदी थी ना वहां गुरु महाराज थे। देखो महाराज, क्रॉस करोगे तब ना जब कुछ हो। इसको पतंजलि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य। प्रयत्न शैथिल्य माने ऑल एफर्ट्स हैव ऑलमोस्ट डिसॉल्व। जहां जहां प्रयत्न होते हैं वहां वहां हम नॉर्मल नहीं है। कोई ऊंचा सुनता है तो उसको बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, और प्रयत्न करेगा तो थकेगा, और थकेगा तो सत्संग में सो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति फिर सत्संग के बाद पहले आके कहता है स्वामी जी आपका सत्संग बहुत बढ़िया था। क्यों बढ़िया था? मैं सो गया, वैसे मुझे नींद नहीं आती। हमको मिलते हैं कई लोग, एक सज्जन हमको यूएसए में मिले, कैलिफोर्निया की बात है, कि स्वामी जी यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन whom I have never seen, for the first time I am seeing you. मैंने कहा मैं फिर ग्रेटेस्ट कैसे हो गया? बोले मैं दिन भर बहुत काम में बिजी रहता हूँ, सॉफ्टी जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन लोगों का दिमाग एकदम पागल जैसा होता है, क्योंकि ऑप्शन उनको मनुष्य का चेहरा अच्छा नहीं लगता, वो स्क्वेयर बॉक्स, होल डे गोज इन दैट। तो मैंने बोला कि कैसा मैं ग्रेट हूँ भैया, कभी देखे भी नहीं। बोले मैं जब आता हूँ थक जाता हूँ, खाना खुना खा लिया, पहला काम मैं आपकी MP3 लगा देता हूँ, जैसे आपकी MP3 शुरू हो जाती है ऐसी बढ़िया नींद आती है। तो कोई जरूरी नहीं कि आदमी जगने के लिए सत्संग सुने, सोने के लिए भी सो सकते हैं। यह जो साक्षी भाव है इसमें प्रयत्न नहीं, और प्रयत्न का होना न होना इसके परे चले गए, प्रयत्न शैथिल्य। फिर हम पहुंच गए अपने स्वरूप में अनंत समापत्तिभ्याम। जब हम अनंत में मने अपने स्वरूप में वापस लौट के आए, इसीलिए जब तक आप कर्म करोगे उसमें प्रयत्न है, उपासना करोगे प्रयत्न है, कुंडलिनी करोगे प्रयत्न है, योगा करोगे प्रयत्न की पराकाष्ठा है। देखो, और जितने जितने आपके प्रयत्न खत्म हो जाएंगे उतने उतने आप अपने स्वरूप पे वापस लौट के आ गए। और स्वरूप का आनंद क्या है? ये ऐसा विषयों का आनंद नहीं है, वह नींद का आनंद नहीं है,
वो इच्छाओं की पूर्ति का आनंद नहीं है, यह जो अनंत आनंद है वही अपना स्वरूप है। इसीलिए साक्षी वस्तु यही नत्वाद, जब अन्य कोई है ही नहीं, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, मैं अपने हाथ को साक्षी रूप से देख रहा हूं। देखो अन्य की प्रतीति होती है लेकिन अन्य का भाव पैदा नहीं होता, वो है उदासीन। और जब तक कि अन्य की प्रतीति को सत्य माना है और फिर परेशान हो रहे हैं कि उस प्रतीति के द्वारा हम प्रभावित न होए, फिर क्या है, मैं साक्षी हूं, और अल्टीमेटली जाकर के अपने बच्चे का नाम ही रख देते साक्षी। देखो हमारे संतोष ने अपने लड़की का नाम रख दिया साक्षी। कई लोग अपने बच्चों के ऐसे विचित्र नाम रख देते, सोहम। अरे सोहम ये कोई नाम है, ये तो चिंतन करने का मंत्र है, लेकिन सोहम। फिर वो दादी माँ कहती है सोहम आ जा बेटा, मैं नहीं आऊंगा सोहम, यूजलेस। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए ये जितना सूक्ष्मता से चिंतन चलेगा, तब केवलम ब्रह्म मात्रत्वात् अहम आत्मा सनातनः अहम एक अहमेव आदि शेषो हम अहम शेषो अहमेव ही। केवलम ब्रह्म मात्रत्वात् अहम आत्मा सनातनः, केवल ब्रह्म का तात्पर्य है जिस अनुभूति में किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं है। तीन प्रकार की अनेकता होती है जिसको त्रिपुटी कहते हैं। देखो दृष्टा दृश्य दर्शन, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, कर्ता कर्म और कर्मफल, ये त्रिपुटी है। उसी प्रकार से जीव जगत ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, जहां जहां ये त्रिपुटी को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है वहां संसार सत्य है। इसीलिए जब कहते हैं केवलम ब्रह्म मात्रत्वात्, जब केवल ब्रह्म मात्र है तो क्या उस ब्रह्म ने हमको तिरस्कृत किया है? नहीं। देखो ये जो सिद्धांत हम बता रहे आपको, होना और जानना जब एक हो जाता है तब हम अपने मुकाम पर पहुंच गए। और यदि हमने जाना है अपने आप को, मुकाम पर पहुंच गए, तो कोई प्रश्न आएगा क्या? जैसे आप लोग यहां मंदिर में आने के पहले कितने दिमाग में प्रश्न चढ़ते हैं, ड्राइवर नहीं आया, आजकल बड़ी भीड़ चल रही है, वो रास्ता ठीक होगा कि नहीं, क्या इस रास्ते से चले जाए, दुनिया भर के प्रश्न चल रहे हैं। एक बार यहां पहुंच गए सब प्रश्न खत्म हो गए। देखो किसी को प्रश्न पूछने से आपको उत्तर मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा, समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है। देखो क्वेश्चंस आर रिप्लाइड एज वेल एज एंसर्ड। जब प्रश्नों को हम उत्तर देते हैं तो आवश्यक नहीं कि वो समाधान कारक उत्तर हो। एक परीक्षा में पूछा गया था भारत के राजधानी का नाम क्या है, और विद्यार्थी ने लिखा सर आपको इतना भी पता नहीं, उत्तर दिया है वो समाधान नहीं है। उत्तर बाहर से आता है, समाधान अंदर प्रकट होता है। देखो हम किसी को पूछते खाना खा लिया क्या, हाँ समाधान हो गया, ये क्या कहते उत्तर हो गया। समाधान स्वयं को ढूंढना है। इसलिए यहां कहते हैं अहम एव आदिशेषो हम, मई ही आदि, मैं ही मध्य और मैं ही शेष, माने मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए अहम एव अशेष अहम एव, माने जिसमें आदि मध्य अंत सब एक है। हम वो सेंटर है जिसका कहीं सरगमफेरेंस नहीं है। देखो आकाश का कौन सा सेंटर है, हम हैं, हमसे ही सब शुरू होता है।
यदि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, यही सनातन तत्व है, यही सनातन है, जिसका ना आदि है ना मध्य है ना अंत है। नाम रूप विमुक्तो हम अहम आनंद विग्रह इंद्रियाभाव रूपो हम सर्वाभाव स्वरूप कहा। नाम रूप विमुक्तो हम, मैं नाम रूप से विमुक्त हूं। एक बार एक बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी आप लोगों के नामों के बाद आनंद क्यों होता है, जैसे आपका नाम है अनुभव आनंद, ये आनंद क्यों लगाते हैं। हमने क्या कोई सिनेमा के एक्टर ने ठेका लेके रखा है देवानंद। बोले नहीं नहीं क्या कारण है, अरे कारण ये है कम से कम अपने नाम के लिए तो खुश रहो, नाम है आनंद और दुखी बैठे हो। तो कहते हैं ये नाम रूप विमुक्तो हम, अब इसको ठीक से समझ ले, नाम और रूप ये दोनों परिच्छिन्न वस्तु के ही हो सकते हैं, और नाम और रूप ये अनेक होते हैं। देखो जैसे पैर की रिंग जो भी कहते हैं, नाक की रिंग, वेडिंग रिंग, आपको मालूम है ना विवाह को कहते हैं इट इज ए थ्री रिंग सर्कस। पहले होती है एंगेजमेंट रिंग, फिर होती है वेडिंग रिंग, उसके बाद होता है सफरिंग जिंदगी भर। तो ये अनेक जहां है वहां अनेक नाम है, लेकिन उसके पीछे जो एक तत्व है जिसको हम गोल्ड कहते हैं या सुवर्ण कहते हैं, सुवर्ण को सुवर्ण कहना ये नाम नहीं है। सुवर्ण को आभूषणों की अनेकता में फंसा देना ये नाम है। देखो ये न जानने के कारण कितने नाम हो गए, और इसीलिए जब संन्यास देते हैं तो दो बातें करते हैं। पहली बात ये इसका नाम बदल डालो, तो नाम बदल देते हैं और फिर बताते हैं अब दुखी मत होना, इसीलिए आनंद गड़बड़ आनंद, गड़बड़ करो लेकिन दुखी मत हो आनंद। दूसरी बात उसका रूप बदल लेते हैं, आप लोग देखो कितने बढ़िया कपड़े पहन के आए हो, सब कुछ ठीक ठाक है, और हम लोग क्या हुलिया पहन के आते। एक बार एक लड़की ने मुझे मुंबई में कहा स्वामी जी मैं एक बात बताऊं आप बुरा तो नहीं मानेंगे, मैंने बोला मुझे क्या बुरा माने, तुम कुछ भी कहो मैं सुनता ही नहीं। बोले आप जब जाते हो इधर उधर में ये क्या हुलिया पहन के रखते हो, लुंगी है और ये शर्ट है और उसके बाद कड़ाव पहनते हो, अच्छा नहीं दिखता ना, मत देखो। जब तक हम अपने नाम रूप में फंसे हैं तब तक व्यक्तित्व है। आप देखेंगे कहीं भी चले जाओ अपने नाम रूप को, पहले अपने रूप को बनाना, अपना ही स्टैचू बना करके लगा करके अपने ही हाथों के द्वारा उसको माला पहनवा देना और अपने ही हाथों से उसकी आरती करना, इसी को कहते हैं माया, भगवान की माया मायावती यही है। रूप को सत्य मान लिया है, और दूसरा है नाम। देखो तो ये अनाम रूपो हम का तात्पर्य क्या हो गया, अब आप नाम से मुक्त हो जाओ। नाम से मुक्त हो गए तो शांति को ग्रहण किया। ज्यादा लोग इसी शांति में फंसते हैं, ये शांति में मत फंसो। शब्द का त्याग किया शांति में आ गए, और 24 घंटे ओम शांति शांति शांति, इसी के कारण ज्यादा अशांति निर्माण कर देते। फिर इस शांति अशांति के परे जाना है, तब जाकर के हम अनाम रूपो हम इसको ग्रहण कर पाए। इसलिए किसी भी प्रकार का नाम रूप का बोझा या उपाधि हम पर नहीं है। अब देखो
बचपन से अपने कितने रूप बदल गए, कौन सा रूप हम है। एक बार हम किसी के यहां गए थे अमेरिका के बाहर, उन्होंने सामने ही कोई 16 पिक्चर लगा के रखे थे, जैसा स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम होता है वैसे 16 चित्र एक ही व्यक्ति के एक ही ड्रेस पहन करके। तो मैंने देखा और आगे चला, बोले स्वामी जी आपको कैसे लगा रहे, ठीक है। बोले मालूम है किसके, मुझे मालूम नहीं, ये कोई महात्मा गांधी तो है नहीं कि जान लो नहीं। बोले ये हमारे लड़के के, बहुत अच्छी बात। फिर उनको वो बताना था, मुझे सुनना नहीं था तो मैं अंदर गया। तो स्वामी जी आपको मालूम है वो क्या, बोले ना मुझे मालूम नहीं, मुझे जानने की इच्छा भी नहीं है। बोले नहीं ये हमारे लड़के का है ना, ठीक है अब क्या करूँ मैं बताओ, माला पहनाओ। नहीं मैंने बोला अच्छा बुलाओ उस लड़के को, लड़के को बुलाया मैंने, चल इसमें ये कितने 18 पिक्चर है, हाँ इसमें से कौन सी आकृति तुम हो, 18 साल के जवान हो कि 1 साल के बालक हो, इसमें से कौन सा आकार जिसमें तुम मैं कह सकते हो। सब आकार बदलते हैं हो, लेकिन जो सभी आकारों का आधार है वो ज्यों का त्यों है, नाम रूप विमुक्तो हम, पूरा जीवन इसी नाम रूप में ही चला जाता है। एक व्यक्ति ने ये सुना कि अपने अहंकार को निकाल देना है नाम रूप नहीं, फिर उन्होंने हमको कहा स्वामी जी हम आपको चेक देना है, दे दो चेक, किस नाम से, इस नाम से दे दो, नाम से लिखा चेक और उस पर कहा कि स्वामी जी मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं जितनी मर्जी आए लिख लिया, ठीक है और दे दिया। अब मैं तो कोई दिखता नहीं क्या दिया किसने दिया, मैंने जो बैंक में जमा कर रहा उसको वही जमा कर दिया इसको, और वहां गया बैंक वाले ने कहा इस पर तो सिग्नेचर है नहीं, तो बोले भाई सिग्नेचर नहीं, बोले आई डोंट वॉन्ट टू क्लेम आई एम द गिवर। देखो महाराज बड़े चालू होते हैं लोग, तो नाम रूप विमुक्तो हम अहम आनंद विग्रह, जहां नाम रूप का त्याग हो गया वही आनंद का विग्रह है। हम नाम रूप में ऐसे फंस जाते हैं कि किसी एक नाम को पकड़ के रख दिया और वही मैं हूं, इससे निकलना है, नहीं तो पूरा जीवन उसी में चला जाता है। आप देख रहे होंगे ना, एक बार हम बच्चों के साथ जा रहे थे बद्रीनाथ की तरफ, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, दिल्ली के ही थे, तो हम हमेशा पीछे की सीट पर बैठते हैं, तो वहां बैठे थे तो एक स्टूडेंट आके बोले हाँ जी मैं बैठूं आपके साथ, मैं बैठो मुझे कुछ बताओ, तो क्या बताना है देखो चारों तरफ, कुछ तो भी बताओ। हमने कहा अच्छा हम खेलेंगे, तो हमने खेलना शुरू कर दिया। हमने कहा मैं तुम्हारे कान में कुछ नहीं बोलूंगा, और सिर्फ उस लड़के का नाम क्या है, उसका नाम अशोक है, मैं अशोक जोर से कहूंगा और बाद में तुम्हारे कान के सामने केवल मेरे अपने होंठ हिलाऊंगा और तुम जोर से हंसना, फिर कुछ फिर देखो तमाशा, खेल इसी को कहते हैं। तो जैसे कार बस चल रही थी तो मैंने कहा वो अशोक है, तो उसके कान एकदम हिलने लगे, अशोक मेरे बारे में बोल रहे। फिर प्लान के अनुसार मैंने और वो जोर से हंस पड़ी और कहे स्वामी जी यू आर टेरिबल, और फिर उठ करके अपने सीट पे जाके बैठी। अब थोड़ी देर के बाद ये अशोकानंद महाराज उठ गए मेरे पास आए, स्वामी जी आपने उसको क्या कहा था, मैं कुछ नहीं कहा था। नहीं नहीं फिर वो क्यों हंस रहे थे, मैं उसको पूछो मुझे क्या मालूम। वो उसके पास गया क्यों हंस रही थी तुम, बोले तुम कौन होते पूछने वाले, मैं कुछ भी करूं, स्वामी जी ने क्या बताया, कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं कुछ तो बताया होगा, क्यों हंस रही थी तुम। अब देखो इस अशोक नाम के साथ इतना तादात्म्य हो गया है, यही से संसार शुरू होता है। देखो महाराज
जितना हम इस नाम रूप के परे चले जावे, इसीलिए नाम रूप विमुक्तो हम अहम आनंद विग्रह, इंद्रिया भाव रूपो हम, इंद्रिय अभाव रूपो हम, हम में कोई इंद्रिय नहीं। क्यों? हम इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। यदि विषयों को हटा दो तो इंद्रियों की हानि नहीं, इंद्रियों को बंद कर दो तो मन की हानि नहीं, मन को सुला दो तो चैतन्य की हानि नहीं। लेकिन यदि चैतन्य का प्रकाश नहीं हो तो मन काम नहीं कर सकता, यदि मन कार्यान्वित ना हो तो इंद्रिय काम नहीं कर सकते, लेकिन इंद्रिय नहीं हो तो विषयों का दर्शन नहीं हो सकता। तो यह जो सबका आधार है, इंद्रिया भाव रूपो हम सर्व भाव स्वरूप, इसीलिए सब में मैं हूं लेकिन मुझ में कुछ भी नहीं है। बंध मुक्ति विहीनो हम शाश्वतानंद विग्रह, आदि चैतन्य मात्रो हम अखंड सोस्म्य हम। बंध मुक्ति विहीनो हम, कई साधकों की यही समस्या है, ये कुछ ना कुछ विचित्र होने की अपेक्षा करते हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। भगवान के दर्शन हो गए, अंदर में गर्म हवा चढ़ रही थी, फिर दूसरे के विचार सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सब प्रकृति में बंधे रहने का एकमात्र भगवान का खेल है। संतो ये सब होता है, ऐसे नहीं नहीं होता, होता है सब कुछ, ये सत्य नहीं है। देखो जैसे आप यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर में आने के लिए निकले, बीच में आपको अनेक स्थान मिलेंगे, वो होते हैं, लेकिन वो लक्ष्य है क्या हमारा? इसी प्रकार से क्या हमारा लक्ष्य इस जगत में नाम कमाना है? क्या हमारा लक्ष्य अनेक प्रकार की सिद्धियों को जागृत करना है? क्या हमारा लक्ष्य हमारे जीवन की इच्छाओं को पूरा करना है? क्या हमारा लक्ष्य दूसरों को मदद करना है? देखो क्या लक्ष्य है जीवन का, नहीं तो इसी में फंसा रहता है आदमी। इसी ने जैसे ना, कोई आदमी आलसी हो तो आलस का त्याग कर सकता है, उसका उद्धार होने में लग गया। कोई आदमी बहुत ही वर्कोहोलिक हो और कोई ड्रिंक्स करता हो, स्मोकिंग करता हो, उसका त्याग कर सकता है, उसका उद्धार होने की संभावना है। कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है और स्नान भी करता है और भगवान का नाम लेता है, पूजा पोथी करता है, सत्संग को जाता है, कोई भी बुरे उसमें आदत ये नहीं है, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, मदिरा नहीं, अब क्या, अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या उद्धार हो सकता है? फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर कंपैरिजन, हम लोगों के जैसे नहीं है, दस दस बजे तक सोते हैं, हम तो 9:45 उठ जाते हैं, लोगों की कंपैरिजन में 15 मिनट सुपीरियर। देखो संतो, ये जो अच्छाई का बंधन है, ये बहुत भयानक बंधन है। एक बार हम दिल्ली की बात है, हम किसी महात्मा के साथ बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पर, और हम दूध की कोई चीज खाते नहीं, दूध भी नहीं पीते। तो जब बैठे थे, महात्मा जी को किसी ने दूध का गिलास पकड़वा दिया, उन्होंने एक सिप ली, उनको अच्छा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर मुझे कहा तुम पी लो, तो मैंने लिया और पीने लग गया। ये जो ज्ञानी माताएं होती है ना, सर करने वाली, ये इतना सर खाती है, खिलाती नहीं, सर खाती है, इसीलिए दूर हटो, मुझे अपने से थोड़ा तो स्वातंत्र दो। ये माताएं यहां तक बताती, स्वामी जी इसको इसके साथ लगा के खाओ, अरे मैं बच्चा हो गया, शराबत की हद होती है। नाम स्वामी है लेकिन हम बंधन में ही है। तो जब उन्होंने मुझे दिया दूध का गिलास, अब मैं पीने वाला था, उतने में वो अम्मा आई और कुछ बोलने ही वाली थी स्वामी जी को, तो मैंने अपने पैर से उसके पैर को इतना जोर से रगड़ा, चुप,
और फिर दूध पी करके सब हो गया। बाद में कहते स्वामी जी जब हम आपको दूध देते हैं तो आप नहीं लेते, महाराज जी ने दिया तो क्यों लिया? हमने कहा अपने औकात पहचानो, कहां राजा भोज कहां गंगुआ तेली। देखो एक दो नियम समझ लो ठीक से, जब अपने साथ होते हैं ना तो अपने 100% नियमों का पालन करो, जब यात्रा में होते हैं तो 50% नियमों का पालन करो, और जब किसी अन्य के घर होते हैं तो 25% अपने नियमों का पालन करो, और साधु संतों के साथ होते हैं जो बताए वो करो, नहीं तो व्यक्ति अपने नियमों में फंस जाता है। ये नियम बंधन कारक होते हैं, हम उससे भी परे जाना है। देखो ये मन का जो चक्कर है, इसको ठीक नहीं समझेंगे तो चक्कर काटते रहेंगे। इसीलिए बंध मुक्ति विहीनो हम शाश्वतानंद विग्रह, तो ना तो मुझमें बंधन है ना मुक्ति है, ये बेवकूफी को हटा देना है, बाकी कुछ नहीं। शाश्वत आनंद माने हमारा आनंद ऐसा नहीं कि आज आनंद है कल दुख है, ये आनंद ऐसा है कि जो ना कभी बढ़ता है ना कभी कम होता है। जिस आनंद में ज्वार भाटा नहीं होता वो ब्रह्मानंद है। देखो इसलिए आदि चैतन्य मात्र हम अखंड ही करसो स्म्यहम, तो मैं यह आदि चैतन्य हूं, मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ये चेतना को दिमाग से हटा दो, जड़ और चेतन इन दोनों का जो एक आधार है वो चैतन्य है। इसको दूसरी दृष्टि से समझना हो तो 5 स्थितियों को ठीक से ग्रहण करना है। पहले परमात्मा सत्ता स्वरूप है और ये सत्ता किसी पर अवलंबित नहीं है। देखो होना मात्र, किसी का होना नहीं। जैसे इसमें पुस्तक है तो यहां पुस्तक है, ये माइक है माइक, ये किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, यह सत्ता मात्र है। इस सत्ता का जो गुण है समझ लो, समझने के लिए बता रहे गुण नहीं होते, उसको कहते चित्त। तो इसकी शक्ति है ये जो शिव शक्ति जिसको कहते हैं ना, शिवजी परमात्मा शक्ति, यह चित्त। अब ध्यान से सुनना, लकड़ी के टेबल में अग्नि है जिसके कारण इस लकड़ी के टेबल का आकार बना हुआ है, क्योंकि अग्नि तत्व आकार की तन्मात्रा है। अब उसी अग्नि की जो शक्ति है दाहिका शक्ति, जब वो प्रकट हो जाती है तो जिस आकार को अग्नि ने आधार दिया था वह आकार जल के खाक हो जाता है। लेकिन इस शक्ति का अग्नि पर कोई प्रभाव नहीं, अग्नि नहीं जलता, दूसरे को जलाती है ये दाहिका शक्ति। तो सत परमात्मा चित उनकी शक्ति, और इस चित का शक्ति का जो विस्तार है वो है आनंद, और इस आनंद की अभिव्यक्ति 3 प्रकार से होती है, इच्छा ज्ञान और क्रिया। ये 5 चीजों को स्पष्टता से समझ ले तब ये बात क्लियर हो जाएगी, आदि चैतन्य मात्रो हम अखंड नहीं कर सो स्म्यहम। इसीलिए आप देखेंगे जब पार्वती जी साथ में होती है तो शिव जी मेडिटेशन नहीं करते, और जब शिव जी मेडिटेशन करते हैं तो पार्वती जी साथ में नहीं होती। उसी प्रकार से काली माता, आजकल चल रहा उनका नवरात्र, काली माता जब खड़ी रहती है अपनी जिह्वा को बाहर निकाल करके, मुंडमाला है 50 मुंडों की, और उनके नीचे क्या है, शिवजी पड़े हुए। अब इसको समझ लेना है, यह फॉर्मूला है। जब प्रकृति प्रकट हो जाती है तो प्रकृति का आधार पुरुष एकदम शांत रहता है,
और जब प्रकृति शांत हो जाती है तब शिव जी ध्यान करते हैं। तो दो ही है, एक व्यक्त दूसरा अव्यक्त। और प्रकृति का प्राकट्य कैसा होता है, पहले जबान बाहर आती है, जबान माने क्या, बोलने का, देखो। और फिर ये बोलना बंद ही नहीं होता, काली माता हमेशा तैयार वैसी कड़ी है, अरे बंद करो ना। बच्चे को बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, बोलना बंद करने के लिए पूरी जिंदगी नहीं पूरी, बंद ही नहीं करते, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। देखो, और ये मुंड माला जो है वो संस्कृत के अल्फाबेट है, आ ई ऊ क ख ग घ च छ ज ज ण। तो यह संपूर्ण विस्तार केवल शब्द का ही विस्तार है, इसीलिए पहले शब्दों का अर्थ समझ करके शब्दों का त्याग कर दिया, शब्दों का त्याग कर दिया तो शांति में आ गए। शांति में आने के बाद उसमें फंसे नहीं, फिर समझ में आया शब्द का होना न होना इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं। यह आदि चैतन्य रूप हुआ, ये अपना स्वरूप है। वांग मनोगोचर वा चाहम सर्वत्र सुखवान हम, सर्वत्र पूर्ण रूपो हम भूमानंदमयोस्मि हम। वांग मनच मनस गोचरो हम, मैं वाणी मन और इंद्रियों का विषय नहीं हूं, इंद्रिय मन बुद्धि इनका यहां व्यापार नहीं है। ज्ञान की प्रक्रिया यदि समझ लो तो इंद्रियों में रहते हुए भी इंद्रियों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए आप एक अंधकार कमरे में बैठे हो, आंखें खुली है, चूंकि अंधकार है आप कुछ दिख नहीं सकते तो देखने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन देखना जारी है। वह देखना जहां देखने वाला पैदा नहीं हुआ वो है अपना स्वरूप, वह सुनना जहां सुनने वाला पैदा नहीं हो गया वो है अपना स्वरूप, वो ज्ञान जिसमें ज्ञाता पैदा नहीं हुआ वो है अपना स्वरूप, वह ध्यान जहां ध्याता पैदा नहीं हो गया वो है अपना स्वरूप, वह कर्म जिसमें कर्ता का जन्म नहीं होता वो है अपना स्वरूप। इसलिए वांग मनो अगोचरो हम सर्वत्र सुखवान अहम। तो यदि हम इस इंद्रिय मन बुद्धि के विषय नहीं है तो क्या करें, फेंको ना इनको, और इन्हीं 3 स्थानों पर इंद्रिय मन और बुद्धि, इन 3 स्थानों पर रहकर ही काम हमको परेशान करता है। पहले काम इंद्रियों को गुलाम बनाता है, इंद्रियों को गुलाम बनाने के बाद फिर काम पहुंच जाता है अगली स्टेप पर, मन में पहुंच गया। जैसे कैंसर किसी एक इंद्रिय में होता है फिर वहां से धीरे धीरे बढ़ के पूरे शरीर में फैल जाता है, वैसे ही यह जो काम का कैंसर पहले इंद्रियों को शुरू हो जाता है और उसके पश्चात उसको नष्ट कर दिया, फिर वही जो काम का कैंसर है वो मन में चला गया और फिर हम बड़े इमोशनल हो जाते। इमोशनल होना माने क्या, छोटी छोटी बातों को लेकर के रोना। हमेशा हम आपको एक हमारा ऑब्जर्वेशन बताते, जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है उतना उसका अहंकार तगड़ा होता है। दूसरे को मत देखना, मेरी सास बहुत दुखी होती है, लगा दिया लेबल, हाँ अपने में देखना है। जहां जहां हम दुखी हो गए समझ लेना अहंकार ने अपना हुड बाहर निकाला है।
इसीलिए जो हम कहते हैं मौज में रहो, इसका तात्पर्य यही है, अपने इस अहंकार से मुक्त होना है। तो उसके लिए पहले इंद्रियों को जीत लेना है, फिर मन को जीत लेना है। अब इमोशनल नहीं होना, कई लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ये इमोशनल लोग मेरे कपड़े खराब कर देते, इसीलिए मैं दूर रखता हूं, दूर। रोना धोना रोना धोना। अच्छा रो धो, हमारे कपड़े क्यों खराब कर रहे हैं? ये सरस्वती होती है, गंगा यमुना बीच में से सरस्वती रसयुक्त। अच्छे खासे कपड़े को खराब कर दिया। फिर ये मन को काम ने जीत लिया, फिर ये मन वहां चुप नहीं रहता, फिर बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि में प्रवेश करने के बाद वो कुछ भी हो, मैं जो कहता हूं वो ठीक है, मैं। ध्यान से सुनना, ये बुद्धि नाम की वस्तु ऐसी भयानक है, इसका यदि ठीक से उपयोग नहीं करो, इसी के द्वारा हम दुखी होते हैं। एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि स्वामी जी भगवान हमको पनिशमेंट कैसी देते हैं। हमने कहा तुमने कभी दही वड़ा खाया है? अरे स्वामी जी आपको कैसे पता मुझे दही वड़ा अच्छा लगता है? हमने कहा बताओ पहले। बोले हाँ अच्छा लगता है। कैसा होता है दही वड़ा? एक दोने में वो गिला गिला डिस्गस्टिंग लुकिंग ठंडा वड़ा होता है। पता नहीं लोगों को कैसे चीजें अच्छी लगती है। वैसे ही मारवाड़ियों के यहाँ वो जो होता है पानी में डाल करके देते हैं, जैसे मरा हुआ चूहा है खास, और बड़ा अच्छा है, काय का अच्छा है, जो देखने के लिए ठीक नहीं, खाने के लिए कैसा अच्छा होगा। अच्छा फिर उस वड़े के ऊपर में और दही डाल देते हैं, फिर उस पर मिर्च मसाले छिटकते हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च, पीली मिर्च, हरी मिर्च, नमक, और ऊपर से एक लकड़ी का डंडा ठोक देते, फिर खाते रहे, और बाद में पेट पे जलन हो रही है। खाओगे नहीं तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। अब भगवान ने भी यही करना है हमको पनिशमेंट करने के लिए। अपनी खोपड़ी जो है ना वो दोने के जैसी है, ऑर्गेनिक डिस्पोजेबल कंटेनर। यदि आपको विश्वास नहीं तो खोल के देखो, धोने के जैसे ही होता है। फिर उसमें वड़े के जगह में अपना ब्रेन होता है, वैसे ही दिखता है, पैथेटिक ब्रेन दिखने के लिए सुंदर नहीं होता। मैंने एक बार देखा था, किसी का ऑपरेशन हो रहा था, मुझे वहां ले गए थे, समझ आप देख सकते हो। जब ब्रेन का ऑपरेशन होता है ना तो पेशेंट को एनेस्थीसिया में नहीं डालते, उसके साथ बात करते हैं और ब्रेन का ऑपरेशन होता है, क्योंकि ब्रेन में पेन नहीं होता। अच्छा उस पर फिर क्या नमक मिर्च मसाला छिटकना है, वहां भगवान बुद्धि छिटक देते हैं। बुद्धि छिटकने के बाद आदमी इंटेलेक्चुअल बन जाता है। ये जितने भी सॉफ्टी है ना, ये सब के सब इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, और जितना आदमी ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा उतना ज्यादा दुखी होगा। दे आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल। सिंपल आदमी मस्त रहता है, ये इंटेलेक्चुअल्स भगवान को पनिशमेंट इसलिए देते हैं। इसीलिए अपने इंद्रिय मन बुद्धि के परे गए तो आप स्वयं अपने आप को खोज सकते हो। इसीलिए इन वांग मन गोचरो हम सर्वत्र सुखवान अहम, और मैं हर जग में हर स्थान में मस्त रहता हूं। हमेशा वही प्रश्न, स्वामी जी आप इतने जग में जाते हो, भिन्न स्थान भिन्न देश भिन्न काल, और बिस्तर अलग होता है, कहीं कुछ कहीं कुछ, आपको नींद कैसे आती है? हमें कहा मैं डिमोन्स्ट्रेट करता हूं, आओ देखो। हमको तो जब तक अपनी पिलो नहीं होगी नींद नहीं आती। कई लोग देखेंगे पिलो लेकर के चलते हैं, अरे पी लो ना सब ठीक हो जाओगे।
सर्वत्र पूर्ण रूपो हम, मैं हमेशा अपने आप में परिपूर्ण हूं, किसी की आवश्यकता नहीं। देखो, अपने होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, आधार कार्ड की भी नहीं। तो सर्वत्र पूर्ण रूपो हम, भूम आनंदमयोस्मि हम, मैं इस अनंत आनंद स्वरूप हूं। सर्वत्र तृप्ति रूपो हम, परमामृत रसोस्मि हम, एकमेव द्वितीयम सत् ब्रह्मन् ब्रह्म एव अहम् न संशयः। सर्वत्र तृप्ति रूपो हम, ये बहुत बड़ी साधना है। पतंजलि लिखते हैं, संतोषात अनुत्तम सुखलाभः। जिस व्यक्ति में ये संतोष है, उसके जैसा सुखी कोई हो ही नहीं सकता। सबसे सुखी वही है। संतोष माने क्या? जो है ठीक है। जैसे हमारे संतोष अग्रवाल है, कोई भी हो जाए पहला वाक्य निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। माने उनको कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमको होती है। ये समझ लेना ठीक से, उनको कोई दिक्कत नहीं, हम दिक्कत में फंसे। देखो जितने हम संतोष से रहेंगे, उतने आप प्रसन्न रहोगे। नहीं तो ये तो सब ठीक है, लेकिन हो गया सत्यानाश। इसलिए सर्वत्र तृप्ति रूपो हम, तृप्ति किसको कहते हैं? हम लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, कोई कंप्लेंट नहीं। थोड़ी भी कंप्लेंट आई तो आप अतृप्त हो। और परमामृत रसोस में हम, यही परम अमृत रस है, यही जीवन का परिपक्व अनुभव है। इसीलिए साधु संत कभी भी ना किसी से प्रेम करते हैं, ना किसी का उद्धार करते हैं। जैसे सूर्य ना किसी को प्रकाश देता है, ना किसी का उद्धार करता है, उसके होने मात्र से सब कुछ हो रहा है। जैसे एक पुष्प जंगल में खिला तो किसी को खुशबू देने के लिए नहीं खिलता हो। इसी प्रकार से हमारा जीवन ऐसा सहज हो जाता है कि अपने होने मात्र से अन्य को लाभ हुआ, तो भी ऐसे संत लोग कभी क्रेडिट नहीं लेते कि मैंने ये किया है। तो एकमेव द्वितीयम सत्, क्योंकि उनका यही अनुभव है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, दोनों उसी परमात्मा के नाटक है। बोलने वाला भी वही नाटक कर रहा है और सुनने वाला भी वही नाटक कर रहा है। मानो सुन रहे, इसको क्या कहेंगे सत्संग को? श्रवण हो रहा है लेकिन श्रोता नहीं है। इसीलिए समझने का प्रयत्न मत करो। कई लोगों को लगता है आगे क्या, कुछ मत करो, कीप ऑन लिसनिंग टू सत्संग। एक दिन ईश्वर के अनुग्रह से क्लिक हो जाता है। ये मत करना अब मुझे भगवान कब मिलेंगे, परसों मिलेंगे। देखो इस चक्कर में मत पड़ना। एक भी इच्छा मन में रही तो आप बहुत दूर चले गए। देखो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो दिखने के लिए, लेकिन उसके गाल पर एक सफेद का वो दाग आता है ना, ल्यूकोडर्मा, वो एक सफेद दाग आ गया, तो उसके जितने भी सौंदर्य के लक्षण हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। इसी सिद्धांत को जीवन में उतार, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन उसमें थोड़ी भी द्वैत की दुर्गंध रही तो आपका जितना साधना का चक्कर है खत्म हो गया। देखो जहां द्वैत है वहां अपूर्णता की कल्पना है, जहां द्वैत है वहां डर है, जहां द्वैत है वहां इच्छा है, जहां द्वैत है वहां क्रोध है। देखो किसी ने हमको चलते समय धक्का मार दिया तो कितना गुस्सा आता है,
और हमारे ही दांतों ने हमारी जीवा काटी तो गुस्सा आता है क्या? माने द्वैत के दर्शन में भी द्वैत का समर्थन नहीं है, मारने वाला भी मैं, मारा गया भी मैं, तो कौन किसको मार रहा है? बोलने वाला भी मैं, सुनने वाला भी मैं, कौन किसको क्या समझा रहा है? देखो, इसीलिए एकमेवाद्विती अंध ब्रह्म नैवाह संशयः सर्वशून्य स्वरूपोहम सकला गम गोचर मुक्तोहम मोक्ष रूपोहम निर्वाण रूप स्वरूपवान सकल शून्य स्वरूपोहम मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं मात्र हूं, सा काष्ठा सा परागति। देखो संतो, कई साधकों की एक दो दो समस्या वो ये समस्या है कि वो ध्यान के लिए बैठते हैं ना तो कुछ देखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि सुन के रखा है ना कि आप ध्यान के लिए बैठो, अंधकार में टनल से जा रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखने का प्रयत्न कर रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, और चलते जाओ एकदम टनल के बाहर आ गए, प्रकाश ही प्रकाश है। फिर पहले मन ने अंधकार की कल्पना करी, फिर उसी मन ने प्रकाश की कल्पना करी, और फिर ये कम हो गया, इसमें और थोड़ा मिर्च मसाला डाल दो, अब तुमको एक डिवाइन गाइडिंग एंजल आ जाएगा और वो एंजल आपको सब बताएगा, और पहले ही कंडीशन कर लिया है मन को इस दृष्टि से, और फिर होने के पश्चात फिर चाय में बैठोगे तब ये डिस्कस करो कि तुमको कौन एंजल आया था, क्या बताया था, हम इससे गए हैं कौन थ्रू देर फोर आई एम टेलिंग यू। तो चाय के लिए बैठे तो पूछा, स्वामी जी आपको कौन एंजल आया था? हमने कहा अमिताभ बच्चन है। ये सब मन की कल्पना है, इसीलिए हमको कुछ भी देखना नहीं, कुछ भी सुनना नहीं। यदि आप विषय इंद्रिय मन बुद्धि इनके परे पहुंच गए हो तो ना विषय होगे, ना इंद्रियों का व्यापार होगा, ना मन में अनुभव होगा, ना बुद्धि में अनुभव करता होगा। और यदि इसी में फंसे हुए हैं कि ये हो रहा वो हो रहा है, और फिर दुखी होते हैं, पता नहीं महाराज कल तो मुझे वो प्रकाश दिख रहा था, आज दिख ही नहीं रहा प्रकाश, क्या हो सकता है? कुछ नहीं, तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो गया, बदल लो। ये जो रूल हमने आपको बताया है, जो अनुभव प्रारंभ होकर के समाप्त होता है यह मन की कल्पना है, जागृत अवस्था प्रारंभ होती है समाप्त होती है, स्वप्नावस्था प्रारंभ होती है समाप्त होती है, सुषुप्ति प्रारंभ होती है समाप्त होती है, समाधि प्रारंभ होती है समाप्त होती है, बचपन प्रारंभ हुआ समाप्त हुआ, जवानी प्रारंभ हुई समाप्त हुई। कोई भी अनुभव ले लो आप, जिसमें आदि अंत है उसको आप बिल्कुल महत्व नहीं देना। हमारे बंबई का ये जो अनुभव है बड़ा विचित्र है, छोटे छोटे मकान है, 1 BHK 1.5 BHK और फैमिली, अब ये आदमी रिटायर हो गया लेकिन बच्चे बड़े हो गए, उनको ऑफिस में जाना है, काम में जाना है, तो ये महात्मा जी बाथरूम में गए तो माने धरना धर के बैठे, निकलती ही नहीं बाहर। तो घर की जो अम्मा होती वो कहती है ऐसा करो ना आप बाहर जाया करो ना, सुबह घूम के आया करो, बच्चों को तैयार होके जाना होता है, माने आपकी आवश्यकता नहीं, जाओ बाहर। देखो जब मनुष्य बेकार होता है तब यही उसकी स्थिति है। तो हम जब तक के अपने आप को दुखी समझेंगे तब तक के हमने परमात्मा के अगल बगल भी नहीं गए। फिर साधना क्या है? खेलना शुरू करो, जैसे मैं दुखी हूं वैसे ही हमेशा प्रसन्न रहो,
ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अध्यात्म का तात्पर्य प्रसन्न रहना। प्रसन्नता का अर्थ तीन बातें बताइए। पहली बात, भूत के भूत को उतार दो, न शोचति, न कांक्षति, भविष्य की चिंता में अपने आप को मत दबाओ। चिंता क्या होती है? जो समस्या नहीं है उस समस्या का समाधान ढूंढने का व्यर्थ प्रयत्न, उसको चिंता कहते हैं। पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं होना, रिलैक्स। पता है तो बी प्रिपेयर्ड। वेयर इज द प्लेस फॉर वरीज? इस वरी से छूटने के लिए हम आपको जो बता रहे और भगवान की दया से आप करते नहीं हो, इसी के कारण मेरा मार्केट बना रहता है। दुखी रहो, सभी के सभी समझदार हो जाओगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? देखो, जैसे भगवान को डॉक्टरों को रोटी देनी होती है तो वो बीमार पैदा करते हैं, इसीलिए इसी प्रकार से बाबा जी को ऑडियंस देने के लिए उनको बेवकूफ पैदा करते हैं। जो बेवकूफ है वो दुखी होता है। इस जगत में दुखी होने जैसा कुछ नहीं। तो ये जो हम चिंता करते हैं इससे मुक्ति पानी है, तो उसके लिए जो हमने आपको साधना बताई है यही है, अपने आप से बोलना बंद करो, ट्राई करो। यदि बोलना बंद नहीं कर पाते आप तो वैखरी वाणी में भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, माइक के साथ नहीं, अपने कमरे में। श्री राम जय राम, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। जैसे चॉकलेट खाते हैं, आदमी चॉकलेट कैसे खाता है? मुंह में चॉकलेट डाल दिया, एक गिलास पानी पी लिया, वो तो आयुर्वेदिक दवाई हो गई। हम लोगों भगवान का नाम वैसा ही लेते हैं, अनुष्य 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 अनुष्य, मानो भगवान को डांट रहे। अरे डांट रहे क्या? उसमें रस निष्पत्ति होवे। इसीलिए जब आप वैखरी वाणी से भगवान का नाम इस प्रकार से धीमे धीमे लेना है, हमको नाम लेने की पूर्ति नहीं करनी, इतने बार लेना है, हाँ जितने बार हो सके उतने बार, लेकिन समय देखो, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, उतने समय में भगवान के नाम के सिवा अन्य कुछ नहीं। और कितने बार किया है वो महत्व का नहीं, कितने समय तक उसमें हम रहे ये महत्व का है। तो जब आप इस प्रकार से भगवान का नाम लेना शुरू करोगे, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा इसको पहले समझ लो, तब इसका प्रभाव पड़ेगा। भगवान का नाम लेना ये भी विचार है, श्री राम जय राम जय जय राम, ये विचार ही तो है। एक कप चाय चाहिए, ये भी विचार है। ये दो विचारों में क्या फर्क है? एक कप चाय चाहिए, ये विचार अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो फिर दूसरा विचार आता है, कहाँ मिलेगी चाय? तीसरा विचार आता है, चलो किसी के घर जाते हैं। चौथा विचार आता है, लेकिन इतनी भीड़ भड़क का है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। पांचवा विचार आता है, अब छोड़ो चाय क्या पीना है। छठवा विचार, लेकिन बिना चाय के क्या मजा है। एक विचार, एक कप चाय पीनी है, कितनी ब्रीडिंग हो गई। दैट थॉट विच ब्रीड्स द नेक्स्ट थॉट इज वरी, एंड दैट थॉट विच डजंट ब्रीड द नेक्स्ट थॉट इज चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम। अब आपने भगवान का नाम लिया, श्री राम जय राम जय जय राम, अपने आप में पूर्ण है। जैसे एक कप चाय पीनी है, इसके बाद दूसरा विचार आया था ना, वैसे श्री राम जय राम जय जय राम, अपने आप में पूर्ण है। फिर लग रहा है कि फिर एक विचार आने का प्रयत्न कर रहा है, दूसरी गोली चलाओ,
श्री राम जय जय राम। जैसा हम टीवी देखते समय रिमोट कंट्रोल से चैनल बदलते हैं, इसी प्रकार से ये भगवान का नाम लेने से एक प्रकार की जो चिंतन की धारा शुरू हो गई थी उसको रोकने के लिए ये भगवान का नाम लिया जाता है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, इसीलिए परिपूर्ण के बाद कुछ और नहीं आता, और इसके लिए भगवान का नाम लेना है। और ये अभ्यास करते करते फिर आपको ये बात समझ में आएगी, अपने आप से बोलना बंद करना माने क्या। हम लोग इस पर अभ्यास नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, फिर कंप्लेन करते हैं, स्वामी जी जब आप बताते हो ना तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर वही तंबाकू वही चूना रगड़ते खाते क्या करें। कंप्लेन करना बंद कर दो, मन आपका है हमारा थोड़ी है, कंट्रोल करो अपने मन को। ऐसी साधना करते करते एक दिन प्रभु की अनुग्रह से हमारा मन अद्वैत में निष्ठावान हो जाता है। अद्वैत में निष्ठा होने के पश्चात ये जो मन के विकार है इनका प्रभाव होना कम होने लग जाता है। जैसे पहले छोटी छोटी चीजों को लेकर के गुस्सा आता है, अब वो गुस्सा कम हो गया, छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपने को आगे आगे करने का विचार होता है वो कम हो जाता है, दूसरे को उपदेश करने की आदत है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब हम अंतर्मुखी हो गए। पहले कैसे थे, ज्वालामुखी, नॉन स्टॉप टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, और उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए मुक्तो हम मोक्ष रूपो हम, यही मोक्ष है। मोक्ष का तात्पर्य आपको बताया था कल, मोह का क्षय, मोह यही है मैं देह हूं, मोह यही है मैं जीव हूं। जितना देहात्म भाव और जीवात्म भाव का क्षय हो गया उतनी मात्रा में आप फ्री हो। ये लोग जो डाइवोर्स लेते हैं ना उनका देखो क्या होता है, एग्जैक्टली मैं पति हूं फिर डाइवोर्स ले लिया, अब क्या हो गया, मैं पति नहीं हूं, तो जो पति था वो कहां था, अब जो पति गया कहां गया, कुछ हो तब जाएगा ना, ये तो केवल अपने मन की ही कल्पना का खेल है। लेकिन उसी कल्पना को हम सत्य मान के बैठते हैं और पूरा जीवन उसी में चला जाता है। इसीलिए मुक्तो हम मोक्ष रूपो हम निर्वाण सुख रूपवान, और निर्वाण सुख, निर्वाण का तात्पर्य है वह सुख जिसको कोई बाण नहीं लगते, वकार बकार को एक कहते हैं, वकारो बकारो से। इसीलिए वाराणसी का नाम बनारस मालूम है कैसे बना, बिहारी लोग यूपी के लोग वो और बंगाली लोग उड़िया बाबा ये लोग व को ब कहते हैं, भाषा भाषा में फर्क होता है, व को ब कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे बंगाल में बिहार में देयर इज नोबडी वरीड, एवरीबडी इज बरीड। बरीड आदमी कैसा बरीड होगा, तो वाराणसी का हो गया वाराणसी। और आप देखेंगे यूपी में इकार को निगल जाते हैं, राष्ट्रपति नहीं कहेंगे राष्ट्रपत कहेंगे, तो वाराणसी का ई खा गए तो बाराणस, और फिर वही गया बनारस, तो वाराणसी का बनारस इसका ऐसा जन्म हो गया।
इसी प्रकार से जो परम ब्रह्म है वो पहले आदमी बना, फिर पति बना, फिर सास बना, फिर बहू बना और उसी में फंस गया। अपने आप को शुद्ध करे महाराज, मुक्तो हम मोक्ष रूपो हम निर्वाण सुख रूपवान। निर्वाण सुख माने अब हमको कोई बाण नहीं लगे है, हमको तीन बाणों ने घायल किया है, देश का, काल का और वस्तु का। देश का बाण वो है ये शरीर के आकार मात्र के अंदर में मैं हूं, बाहर का मैं नहीं हूं। देश का बाण लग गया, अपने आप को परिच्छिन्न बना दिया। वस्तु का, मेरा वजन 4 टन है, आपको क्या करना है वस्तु। और काल का, एक बड़े प्रोग्राम में एक सीट खाली थी सामने, वहां 2 लड़कियां आ गई और झगड़ा करने लग गई, मैं बैठूंगी। और यू नो जब ये लड़कियां झगड़ा करने लग जाती है तो भगवान भी भाग जाते हैं। तो जब उनका झगड़ा शुरू हो गया, मैंने पहले देखा था, तुमने देखने से क्या होता, मैंने पर्स रखी थी क्योंकि मैं बैठूंगी, मुझे बैठना है। अब एक सज्जन देख रहे थे, अब क्या करे। उन्होंने कहा देखो एक मिनट रुक जाना, क्या आप में से जो बड़ी होगी उसको बैठने दो। दोनों निकल गई। देखो इसीलिए ये बाण जो है, देश काल वस्तु, इन तीनों बाणों ने हमको देह बना दिया है। यही साधना भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वय विमुक्ता सुख दुख संयही गच्छन्ति अमूढ़ा तत्पदम अव्ययम्। तो जब तक के ये मोह का क्षय नहीं होता तब तक के मोक्ष नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।